हेलो फैमिली, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद एन के और मैं हूं करण कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको तो पता ही कि मैं बदायूं में हो रहे डेवलपमेंट के कार्यों को आप लोगों को दिखाता रहता हूं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चांदपुर भदोही जो 4 लेन का कार्य हो रहा है उसका अपडेट देने के लिए आ चुका हूं। तो चलिए चलते, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेगा और पूरा देखेगा बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में आपको चांदपुर चौराहे से भट्टी तक का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ कि कितना कार्य हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, अभी हम लोग चांदपुर चौराहे से भदोही के साइड बढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जो चांदपुर भदोही रोड का जो 4 लेन का प्रोजेक्ट है, इस पर कार्य काफ़ी तेज़ी गति से हो रहा है, तो उसी का अपडेट देने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, आज है 30 तारीख और समय की बात करें तो दोस्तों अभी 11 बज रहा है और अभी हम लोग चांदपुर से आगे लोता के साइड बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट था कि इसका अपडेट वीडियो दीजिए कि क्या अपडेट है, प्रोजेक्ट का कार्य कितना हुआ है, तो इसलिए हम लोग आ चुके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, इधर आप जो ये देख रहे हैं, ये पूरे मास्टर टाइल्स, डिलाइट किचन, ये सब का जो पार्किंग एरिया आगे है वो सारा तोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी इधर काम नहीं लगा, इस वजह से अभी वो लोग अपना नहीं हटा रहे हैं, लेकिन जैसे इधर काम लगता है तो सभी लोग अपना हटा लेंगे। नोटिस सबको दे दिया गया है, क्योंकि ये जो रोड है 26 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिसमें कि 18 मीटर का रोड होगा और दोनों साइड में नाला बनाया जाएगा 3-3 मीटर में, और इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद, इस रोड के बन जाने के बाद गंजारी, जो कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, वहां पर जाने के लिए काफ़ी दोस्तों, इस रोड के बन जाने के बाद गंजारी जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला है वाराणसी का, वहां पर जाने के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। इस रोड को भी उसी हिसाब से विकसित किया जा रहा है ताकि जो भी दर्शक बाहर से आए बाई ट्रेन, वो कैंट से होते हुए सीधा गंजारी के लिए जा सके। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। और अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे जो 8 किलोमीटर के फ्लाईओवर का प्रस्ताव आया था वो अभी कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि वो अभी प्रस्ताव था, अभी डिसीजन लिया नहीं गया है कि इस पर वो फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तो जैसा ही उसका डिसीजन आता है और कंफर्म होता है कि बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, तो वो भी मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लागत है वो 273 करोड़ रुपए है, और अगर फ्लाईओवर का प्रस्ताव पास हो जाता है तो इस प्रोजेक्ट का जो टोटल लागत है वो 1300 करोड़ रुपये हो जाएगा। और अभी हम लोग किराकतपुर लोता में पहुंच चुके हैं। और अब धूप भी काफ़ी तेज होने लगा है। और इधर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में लोग अपना मकान धीरे धीरे तोड़कर हटा रहे हैं। क्योंकि इस पर किसी को भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और आई होप कि वीडियो सही आ रहा होगा, क्योंकि इधर का रोड काफ़ी ख़राब है, खड़ंजा है।
काफ़ी लोग अपना इधर जो मकान है वो तोड़ चुके हैं और काफ़ी लोगों का भी बचा हुआ है जो कि अपना धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, क्योंकि यार कहीं जब रोड बनेगा और जो कर्मचारी होंगे PWD के या फिर CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो भी वर्कर होंगे वो और की तोड़ेंगे तो मकान मालिक को उन्हें मजदूरी देना पड़ेगा, जो जितना काम करेंगे उसका मजदूरी उन्हें देना पड़ेगा। इस वजह से लोग अपना खुद ही तोड़ रहे हैं और आप इधर देख सकते हैं कि तोड़ लिया गया है और ये सामने आप जो मकान देख रहे हैं काफ़ी अच्छा पुराना मकान, ये भी तोड़ा जाएगा। चलिए जब रोड बन जाएगा तो इस खड़ंजा से भी निजात मिल जाएगा सभी लोगों को, नहीं तो गर्मी में तो फिर भी ठीक रहता है, बरसात में तो पूरा जल भराव रहता है और कीचड़ हो जाता है, आने जाने में काफ़ी समस्या होता है। दोस्तों अभी हम लोग लोता मार्केट पार कर आ चुके हैं आगे और लोता थाने की ओर बढ़ रहे हैं। मार्केट में काफ़ी चहल पहल है, दोस्तों इधर तो कोई काम नहीं हुआ है लेकिन रिंग रोड साइड से अब रोड बनना स्टार्ट भी हो गया है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से मैं आपको इस वीडियो में नहीं, अगला वीडियो जब भी मेरा आएगा तो मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा कि कितना कार्य हुआ है और रोड कहां तक अभी फाइनल हुआ है बनकर। इधर आप देख सकते हैं कि जैसे ही लोता मार्केट से बाहर निकलेंगे तो पेड़ों की कटाई हो चुकी है। ये जो रास्ता ये चला जाता है लोता रेलवे स्टेशन के लिए, महाजन हाउस, महाजन ग्रीन्स, और दोस्तों इधर इस रूट पर अगर बात किया जाए परमिशन की तो बिजली विभाग से भी परमिशन मिल चुका है पोल हटाने का, और वन विभाग से तो पहले ही परमिशन मिल गया था पेड़ की कटाई के लिए, तो पेड़ों की कटाई तो हो चुकी है। इधर आप देख सकते हैं कि अब इधर भी मिट्टी को खना जा रहा है दोनों ही साइड में, अब देख पा रहे होंगे। देखिए दाहिने साइड में मिट्टी खन दिया गया और बाएं साइड में मिट्टी खन दिया गया है, इस प्रोजेक्ट में जो कार्य है वो काफी तेज गति से हो रहा है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को दोस्तों मार्च 2024 से पहले पूरा करना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में मार्च 2024 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट है, लोग ये बोल रहे हैं कि ये 2024 तक भी नहीं फाइनल हो पाएगा। बाकी काम तो काफ़ी तेज गति से हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये भट्टी एरिया देख रहे हैं, भट्टी गांव जो है
यहाँ पर जहाँ पर मिट्टी की बर्तनें बनाई जाती हैं, गुल्लक और कप, घड़ा वगैरह, ये जो लोग हैं यहाँ बनाते हैं, देख सकते हैं आप इधर। तो यहाँ भी मिट्टी खना गया था और आप देख सकते हैं कि समतल कर दिया गया है। जब पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पे मिट्टी खना गया था और काफ़ी गड्ढा हो गया था, लेकिन आप देख सकते हैं इधर बाएं साइड में अभी मिट्टी खना गया, समतल नहीं किया गया है, वहीं दाहिने साइड में समतल कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे से अच्छा जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।